हेलो दोस्तों, मैं हूँ फैक्ट भाई और डोरेमोन और उसके 22nd सेंचुरी के प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉकेट से तो आपकी पहचान होगी, पर डोरेमोन की पॉकेट ही नहीं, उसकी आवाज भी इतनी स्पेशल है कि मानो ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है। लेकिन जिस डोरेमोन की आवाज हमारे कानों में रस घोलती है, आखिर वो आवाज किसकी है? वेल, ये जानने से पहले बात करते हैं ऐश केचम के क्यूट से साथी पिकाचू की, जिसे ऐश आज तक पोक बॉल में डाल नहीं पाया। पर क्या आप जानते हैं, इस क्यूट और नकचड़े से पिकाचू को आवाज देने वाला कोई बंदा नहीं, बल्कि एक मोहतरमा है, जिन्होंने न सिर्फ पिकाचू को बल्कि और भी कई कार्टून्स को अपनी आवाज दी है। फिर भी अगर आपको ये सब नामुमकिन लग रहा है तो आप जरा ओगी द कॉकरोचेस को सुनिए। आज का दिन है बड़ा सुहा सुबह सुबह स्विमिंग करने का मजा ही कुछ और है। ओए, तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। मतलब इसकी डबिंग साक्षात बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की है। ना 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 ना, नहायत ही गलत सोच रहे हैं आप, क्योंकि ये काम मल्टीपल स्टार्स का नहीं बल्कि वन मैन आर्मी का है। और ऐसे ही कई और कार्टून्स के पीछे आवाज देने वाले शख्सियतों के बारे में हम आज जानेंगे इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल पीपल बिहाइंड फेमस कार्टून्स वॉइस। नंबर 1, डोरेमोन। अगर आप कपिल शर्मा के शो के फैन हैं, तो आप इन मोहतरमा से जरूर परिचित होंगे। दोस्तों, मैं ढोलकपुर से आया हूँ। और जो लोग इन्हें नहीं पहचानते, मैं उन्हें बताना चाहूँगा, ये है वन ऑफ द फेमस वॉइस ओवर आर्टिस्ट सोनल कौशल, जिन्होंने 8 साल की छोटी उम्र से ही शोज को होस्ट करना और उनके लिए डबिंग करना शुरू कर दिया था। पर सोनल को आसमान की बुलंदियों को छूने का और एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने का सपना उनकी मम्मी ने दिखाया था, जो खुद ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर थी। इसीलिए उन्हें जैसे ही 2005 में ये खबर मिली कि फेमस जैपनीज कार्टून डोरेमोन के लिए डबिंग आर्टिस्ट की तलाश हो रही है, उन्होंने अपनी 13 साल की बेटी को ऑडिशंस पर भेज दिया, जिसमें वो सिलेक्ट हो गयी। काश मैं तुम्हारी बाकी की जिंदगी में भी तुम्हारे साथ रह पाता। और इसके बाद इनकी डबिंग का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ कि उन्होंने छोटे बड़े हर शो और हर चैनल को अपनी आवाज दी है। पर अगर आप सोच रहे हैं कि सोनल सिर्फ एनिमेटेड कैरेक्टर्स को ही अपनी आवाज देती हैं, तो ध्यान से सुनिए, सोनल ने अपनी आवाज बड़े बड़े शोज और कैरेक्टर्स के लिए भी दी है, जिसमें गेम ऑफ थ्रोन्स और आर्या स्टार्क का नाम भी शामिल है। लेकिन ये तो आप भी जानते ही है, उसने हाउन को हराया नहीं होगा, तुमने हराया है। कि डोरेमोन की लाइफ उसके दोस्त नोबिता की परेशानी और उसकी क्रश शिजुका के बिना बेरंगीन होगी। और जहाँ क्रश है, वहाँ उसके और भी तो चाहने वाले होंगे ही ना। उनमें से एक है माँ का दुलारा सोनियो, जिसे उसकी माँ ने सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ा ही है। ऐसे में डोरेमोन नोबिता की लाइफ की यही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और डोरेमोन की जिंदगी के इन्ही दो अलग अलग इनडायरेक्ट मुसीबत वाले साथियों को आवाज दी है पारुल भटनागर ने। तुम्हारे लिए केक बना कर रखूंगी नोबिता मेरा प्यारा बेटा सोनियो। जिनका बचपन से ही म्यूजिकल बैकग्राउंड रहा है और अपने इसी बैकग्राउंड का फायदा उठाते हुए पारुल ने डबिंग आर्टिस्ट बनने का डिसीजन लिया था। लेकिन अगर हम सुनियो की मम्मी की आवाज को जान ही रहे हैं, तो सुनियो को भला कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। आखिर इसी बिगड़े बच्चे की बात पूरे डोरेमोन कार्टून में होती है, तो उस सुनियो को आवाज दी है वजाहत हुसैन ने, जिन्होंने कम उम्र से ही डबिंग करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद उनकी किस्मत का दरवाजा खुला और उन्हें पॉपुलर कार्टून के पॉपुलर कैरेक्टर्स में से एक सुनियो की आवाज को डब करने का मौका मिला। 5 साल में तुम बहुत बड़ी सुपरस्टार बन जाओगी। हेलो फ्रेंड्स, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बिनोमो के बारे में आज बताऊंगा। ये दोनों ऐप स्टोर और प्ले स्टोर में अवेलेबल है। इसमें आप अलग अलग एसेट्स में ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि गूगल, एप्पल, बिटकॉइन, गोल्ड और तो और फॉरेन करेंसीज जैसे US डॉलर्स, यूरोज वगैरह में भी आपको 90% प्रॉफिट तक मिल सकता है। इस प्लेटफॉर्म में आपको कोई भी एसेट चुनना है और फोरकास्ट करना है कि उसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। मैं एक 700 रुपए का ट्रेड अप करता हूं कि इस एसेट की वैल्यू बढ़ेगी और थोड़ा रुकते हैं। Yes, मेरा फोकस सही निकला। अब ये अमाउंट आप अपने बैंक अकाउंट या पेटीएम में सिर्फ 24 घंटों के अंदर विड्रॉ कर सकते हो। इसका मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ 350 रुपए है। और हाँ, आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका डिपॉजिट डबल हो जाएगा। यानी कि जैसे आप 400 रुपए का टॉपअप कीजिए और 800 रुपए पाइए, तो डिस्क्रिप्शन लिंक से बिनोमो डाउनलोड कीजिए और अपने डेमो अकाउंट में 65,000 रुपए पाइए, जिससे आप नई ट्रेडिंग, लर्निंग स्किल्स और स्ट्रेटजी प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपका एक्सपीरियंस होता जाएगा, उतना ही आपकी ट्रेडिंग और अर्निंग स्किल्स और पॉसिबिलिटीज बढ़ेंगी। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ध्यान से ट्रेड कीजिए, क्योंकि कोई भी ट्रेड में आपकी कैपिटल को रिस्क होता है। सो फ्रेंड्स, आज ही बिनोमो डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई एम अ बिनोमिस्ट, आर यू? नंबर 2, शिनचैन। आई नो आप इसे जानते हैं, लेकिन क्या आप इसकी आवाज के पीछे छुपे चेहरे से मिले हैं? नहीं ना, आइए मैं मिलवाता हूँ आपको हम सबके फेवरेट शिनचैन को आवाज देने वाली आकांक्षा शर्मा से, जिन्होंने जापानीज कार्टून शिनचैन के इंडियन वर्जन को अपनी आवाज दी है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आकांक्षा की आवाज कुदरती देन है। नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, मैं
मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि आकांक्षा ने ग्रेजुएशन के वक्त रेडियो मिर्ची के एक कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया था और इसके बाद वो वहाँ एक आरजे बन रेडियो पर चलने वाले बच्चों के कमर्शियल्स जैसे हॉर्लिक्स बॉर्नविटा के लिए डबिंग करती थी और तभी ही उन्हें रियलाइज हो गया कि वो एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हैं। पर रेडियो से शिनचैन को आवाज देने के बीच आकांक्षा के लिए एक मौके की कमी थी क्योंकि वो मौका उन्हें 2015 में मिलते मिलते रह गया। दरअसल फ्रीलांसिंग डबिंग करते वक्त आकांक्षा को पता चला यूटीवी पिक्चर शिनचैन के लिए हिंदी आवाज की तलाश कर रहा है, इसीलिए आकांक्षा ने शिनचैन को अलग अलग लैंग्वेज में देख उसके टोन और एक्सेंट की प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। मैं करी बनाने में एक्सपर्ट हूँ, मैं घर नहीं आ गया। लेकिन इससे पहले कि आकांक्षा शिनचैन को अपनी आवाज दे पाती, कार्टून इंडिया में अपने अडल्ट कंटेंट की वजह से बैन हो गया था। पर फिर हाई डिमांड के चलते वो दोबारा इंडिया में एयर होना शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक आकांक्षा ही शिनचैन को अपनी आवाज दे रही हैं। हम साथ में हवा से बातें करेंगे। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक कार्टून को आवाज देना कौन सी बड़ी बात है, तो मैं बता दूं आकांक्षा सिर्फ शिनचैन को ही आवाज नहीं देती, उन्होंने डिस्कवरी के कई शोज को भी डब किया है। और तो और प्रोफेशनल रेसलिंग का सबसे बड़ा शो WWE की डबिंग भी आकांक्षा ने ही की है। रोमन, तुम बस एक भीगी बिल्ली हो समझे, ये लोग जप रहे हैं थैंक यू रोमन हाँ। लेकिन शिनचैन जैसे शरारती और आलसी बच्चे की बात उसके पूज्य पिताश्री हैरी के बिना अधूरी है। आगे शिनचैन के आलस का डायरेक्ट कनेक्शन इनसे जो है, तो इन्हें आवाज दी है दिल्ली के रहने वाले गौरव मारवा ने। क्या मित्सी, कम से कम संडे के दिन तो आराम करने दिया करो ना। वैसे गौरव पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हैं, लेकिन उन्हें इस काम में कुछ खास नया करने का मौका नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने प्रोफेशनल फोटोग्राफी के साथ ही कुछ क्रिएटिव करने के चक्कर में डबिंग करना ही शुरू कर दिया और आज इसी के चलते वो शिनचैन में हैरी नोरा को अपनी आवाज देते हैं। नंबर 3, छोटा भीम। अब बात करते हैं ढोलकपुर के उस बच्चे की जिसने वैसे तो लोगों को ये दिखाया था कि उसे उसकी चुटकी पसंद है, लेकिन आखिर में उसने चुटकी के साथ ही बाकी सबको धोखा देकर राजकुमारी इंदुमती से शादी कर ली थी। मैं जानता हूँ आप सब समझदार लोग इस कार्टून को पहचान गए। जुहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। लेकिन क्या आप इसकी आवाज को पहचान पा रहे हैं? नहीं, कोई बात नहीं, मैं ये बता देता हूँ, ये आवाज है सोनल कौशल की, जिन्होंने डोरेमोन को आवाज देने के बाद छोटा भीम को भी आवाज दी थी। यकीन नहीं होता तो इसे दोबारा सुन लीजिए। और ये जो लड्डू अभी कपिल भैया ने आपको दिए है ना, ये मैं लेकर आया हूँ ढोलकपुर से। और अब जब हम छोटा भीम की आवाज को पहचान ही चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं उसके खास तो जग्गू बंदर की तरफ, जो अक्सर भीम का साथ देता है, पर आवाज की दुनिया में सोनल का ये साथ निभाते हैं राजेश कावा। और इस जगह की याद संजोने के लिए हमें भी एक एक पेंटिंग बनानी चाहिए। मेरे दद्दू, मैं तो आपको नहीं जानता। जो हमेशा से एक प्रोफेशनल वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही रहे हैं और जग्गू बंदर के अलावा उन्होंने हैरी पॉटर की सभी चैप्टर की भी डबिंग की है। आपकी हिम्मत कैसे हुई उनकी जगह लेने की? क्या हुआ था उस रात को, बताओ इन्हें। लेकिन छोटा भीम और जग्गू बंदर को सबसे ज्यादा परेशान अगर कोई करता है तो वो है कालिया, जो दोस्ती के नाम पे सबसे बस अपना मतलब निकाल रहा होता है। लेकिन इस बुरे से मोटे से कालिया को जिसने आवाज दी है, वो जितनी खूबसूरत खुद है उतनी ही खूबसूरत उनकी आवाज भी है। चौंकिए मत, खुद ही सुन लीजिए। लंबे सफर में आपके अनमोल आविष्कारों के लिए आपको एक हट्टे कट्टे अंगरक्षक की जरूरत है। ये है शैली दुबे, जिन्होंने कालिया को अपनी आवाज दी है, लेकिन साथ ही ये टॉलीवुड इंडस्ट्री में रकुलप्रीत सिंह की भी ऑफिशियल डबिंग आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने बिजनेसमैन 2, फैमिली एक डील जैसी फिल्मों में रकुलप्रीत सिंह को अपनी आवाज दी है। नंबर 4, द पावर पफ गर्ल्स। तीन लड़कियों की तिकड़ी जो अपने जरिए बच्चों को बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज देती है, और इस कार्टून का नाम है द पावर पफ गर्ल्स। अब देखो, इस गुस्से के लिए तो मैं आपको कोई इनाम नहीं दे रहा, लेकिन आपको ये जरूर बताऊंगा कि इनके पीछे आवाज किसकी किसकी होती है। आइए सबसे पहले बात करते हैं लाल कली मैदान खड़ी उर्फ ब्लॉसम की, जिसे पहले नीलोफर मिदेखान आवाज देती थी। पर कौन सा है पता नहीं, कोई बहस नहीं, इसे वापस छोड़। लेकिन फिर कुछ इश्यूज की वजह से उन्हें समृद्धि शुक्ला से रिप्लेस कर दिया गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि समृद्धि ने ये वॉइस स्किल्स और उसकी अलग अलग मॉड्यूलेशन अपने पापा से ही सीखी है, जो खुद भी एक प्रोफेशनल डबिंग आर्टिस्ट है। बस बटक अपने ही है जो उन खतरनाक ब्रेड से अकेले लड़ रही है ताकि हम बच कर निकल सके। वो सच में बहुत। हालांकि वैसे तो समृद्धि ने 11 साल की उम्र से ही डबिंग करना शुरू कर दिया था और उन्होंने सबसे पहले डोरेमोन को अपनी आवाज दी थी, लेकिन फिर सोनल कौशल जो पहले डोरेमोन को आवाज देती थी, उनकी वापसी के बाद समृद्धि का ये काम रुक गया था और आखिर में उन्हें द पावर पफ गर्ल्स में अपनी पहचान वापस पाने का मौका मिला था। हाँ, ये बात और है कि कई दफा सुनने के बाद भी आप समृद्धि और नीलोफर की आवाज में फर्क को शायद ही समझ पाएंगे।
छोटा है लेकिन ये एक वाइल्ड एनिमल है। पर कौन सा है पता नहीं। बस बटर कप नहीं है जो उनका खतरनाक। फिर इसके बाद बारी आती है गुस्से में रहने वाली बटर कप की। रेनबो की वजह सब अजीब सा बर्ताव कर रहे हैं, इसलिए अपनी जिसे आवाज देने वाली राजश्री शर्मा ने हैरी पॉटर सीरीज में एमा वॉटसन को भी आवाज दी है। सचमुच कोई मंत्र था, वैसे कुछ असर तो नहीं हुआ है ना। और आखिर में बारी आती है क्यूटेस्ट एंड स्वीटेस्ट बबल की, जिसे आवाज देने वाली वही है जिन्होंने कभी समृद्धि को रिप्लेस किया था। अरे भाई बड़े बुलक्कड़ हैं आप। मैं बात कर रहा हूँ सोनल कौशल की, जिन्होंने हमारी बबल को अपनी आवाज दी है। पता तुम्हें मजा आने लगे, तुम आर्ट क्लब ज्वाइन करके आज। ऐसे तो सोनल डबिंग इंडस्ट्री में पहले से ही काफी फेमस थी। वो इतनी स्वादिष्ट है कि उसे देखकर। लेकिन द कपिल शर्मा शो में आने के बाद आज लोग उनके नाम के साथ साथ उनके काम को भी जानते हैं। मैं ढोलकपुर से आया हूँ और ये जो लड्डू अभी कपिल भैया ने आपको दिए है ना, ये मैं लेकर आया हूँ ढोलकपुर से। और आपकी जानकारी में थोड़ी सी जानकारी ऐड करते हुए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये वही सोनल हैं जिन्होंने छोटा भीम के भीम और पोकेमोन की जान पिकाचू को भी अपनी आवाज दी है। नंबर 5, ओगी एंड द कॉकरोचेस। हम में से शायद बहुत कम लोग इस कार्टून के बारे में जानते होंगे क्योंकि ये नए जमाने का नया कार्टून है। लेकिन जानते हो इस नए जमाने के नए कार्टून में सब कुछ नया होते हुए भी पुराना है। नहीं समझे, चलिए बताता हूँ। कॉकरोचों के सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, कैसे आए? अभी आ गए ले। आवाजें सालों से दुनिया भर में मशहूर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की थी, तो कहीं बॉलीवुड एक्टर्स ने तो ओगी एंड द कॉकरोचेस की डबिंग नहीं की? अरे अरे रुक जाओ मेरे दिले नादा, आप लोग जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस कार्टून की डबिंग बॉलीवुड के सितारे नहीं बल्कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही करते हैं। वो भी अलग अलग आर्टिस्ट नहीं बल्कि एक ही आर्टिस्ट, जिसका नाम है संजय खेनी। आज का दिन है बड़ा सुहाना, ओगी बना है कॉफी का दीवाना। अच्छा है। दरअसल ओगी एंड द कॉकरोचेस में शो के इंडियन फॉर्मेट के मुताबिक हर करेक्टर की आवाज को देसी तड़का लगाने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स की मिमिक्री की जाती है और इन सभी एक्टर्स को मिमिक संजय केनी ही करते हैं। फिर चाहे आप कार्टून में आओ करने वाले शक्ति कपूर की आवाज सुने, सीधी तरह से ओगी को छोड़ दे वरना हो जाएगी टर्री, टक टिक टक टिक, या फिर 2.5 किलो के हाथ वाले सनी पाजी की, ओए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा, मेरे भाई को छोड़ दे वरना तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि शो का यही अनोखापन और हर कैरेक्टर की आवाज में लगने वाला बॉलीवुड का तड़का इस कार्टून को सबसे ज्यादा पॉपुलर बनाता है। जबकि वहीं अगर बात करें शो के ओरिजिनल फॉर्मेट की, तो भैया उसमें कोई आवाज ही नहीं है। मेरा मतलब है ओगी एंड द कॉकरोचेस ओरिजिनली बिना किसी डायलॉग के है, जिसमें टॉम एंड जेरी के जैसे बस एक्शन होता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि ओगी एंड द कॉकरोचेस इंडिया में साल 2012 में शुरू हुआ था और तब से इसकी डबिंग संजय केनी ही कर रहे हैं, जिन्होंने शुरू से ही बॉलीवुड एक्टर्स को बखूबी मिमिक किया है। अब प्रिंसिपल के बच्चे दिमाग खराब हो गया तेरा, अरे जूनी को पास कर दिया, सरेहान को फेल कर दिया। और इसके चलते उनके करियर की शुरुआत में उन्हें कई सारे इवेंट्स में भी काम करने का मौका मिला था, लेकिन फिर उन्हें असली पहचान ओगी एंड द कॉकरोचेस को आवाज देने के बाद मिली, जिसके बाद पहचान मिलने का ये सिलसिला रुका ही नहीं, क्योंकि एक एनिमेटेड कार्टून को डब करते करते वो अपने टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में भी पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने धूम, भावनाओं को समझो और मैं जिंदगी हूं जैसी कई मूवीज में अपनी आवाज दी है। बच्चा पार्टी मत लेना टेंशन खाली पे ले, ओगी एंड द कॉकरोचेस के लिए हो जाए एक बार जरा जोरदार ताले। वैसे दोस्तों अक्सर हम कार्टून्स तो देखते हैं लेकिन स्क्रीन पर दिखने वाले उन एनिमेटेड करेक्टर्स की आवाज को पहचान देने वाले शख्स का ना कभी नाम लेते हैं ना भूले बिसरे से उनका जिक्र करते हैं। पर अगर देखा जाए तो हर शो मूवी या कार्टून सबकी जान ये आर्टिस्ट ही होते हैं, क्योंकि आवाज बिना हर चीख हर गूंज अधूरी होती है और हम तो इन कार्टून्स को उनकी आवाज की ही वजह से पहचानते भी हैं। तुम अभी बच्चे हो शिनचैन, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छे से समझ आती है। ऐसे में आपको नहीं लगता जो फेम दूसरे सेलिब्रिटीज को मिलता है वही फेम हमारे ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी डिजर्व करते हैं? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको भी इन कैरेक्टर्स के पीछे छिपी शख्सियतों के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पर मैं जानता हूं हमारी हर वीडियो आपके लिए बेहद खास है, इसीलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। जल्दी होगी अगली मुलाकात। जय हिंद।